IVF विफल क्यों होता है? बार बार IVF के विफल होने के प्रमुख कारण क्या है? कई कपल्स IVF से एक कदम पीछे हट जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अंत में संतान होने के लिए कई IVF साइकिल्स की आवश्यकता होती है और वे हर IVF साइकिल के खर्चे के बारे में विचार करते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। IVF से एक कदम पीछे हटने और संतान न होने की अपनी उम्मीद को खोने से पहले इस वीडियो को जरूर देखें। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी ART या आसान शब्दों में IVF आज के समय में इनफर्टिलिटी का सबसे पॉपुलर इलाज है। हालांकि ये एक सफल उपचार है, फिर भी 30-40% कपल्स IVF के पहले साइकिल में गर्भधारण नहीं कर पाते हैं और लगभग 10-15% बार बार IVF विफलता से पीड़ित हो सकते हैं। आइए इस वीडियो में हम रिकरेंट IVF फेलियर के कारणों का पता लगाते हैं, और यदि आप नीलकंठ IVF के फर्टिलिटी एक्सपर्ट से बात करना चाहते हैं तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। IVF फेलियर का पहला मुख्य कारण भ्रूण की खराब गुणवत्ता है। IVF से गुजरने वाले कपल्स की बढ़ती उम्र के कारण उनके अंडे से बनने वाले भ्रूण की गुणवत्ता और स्पर्म्स बेहतर क्वालिटी के नहीं होते हैं, इसलिए इन भ्रूणों में इम्प्लांटेशन पोटेंशियल कम हो सकती है। बढ़ती उम्र के साथ आधुनिक जीवन शैली भी खराब गुणवत्ता वाले भ्रूण की ओर योगदान करती है। जीवन शैली की आदतों में सुधार जैसे वजन कम करना या एंटीऑक्सीडेंट्स लेने से भ्रूण की गुणवत्ता में कुछ हद तक सुधार हो सकता है, और इन मामलों में फिर IVF की सफलता दर में भी सुधार हो सकता है। IVF विफलता में अन्य मुख्य कारण यूटेराइन फैक्टर है। एक सफल IVF प्रक्रिया के लिए आरोपण के लिए गर्भाशय की प्रॉपर लाइनिंग आवश्यक है। एडिनोमायोसिस, एंडोमेट्रियोसिस और फाइब्रॉइड जैसी गर्भाशय की विभिन्न स्थितियां आरोपण के लिए एंडोमेट्रियम की क्षमता को कम करती हैं। कुछ मामलों में इंजेक्शन या गर्भाशय की सर्जरी के साथ मेडिकल मैनेजमेंट ऐसे मामलों में परिणाम सुधार सकता है। ट्यूबरक्लोसिस और एशरमैन सिंड्रोम जैसे रोगों में गर्भाशय की परत स्पष्ट रूप से बिगड़ी हुई रहती है और इसलिए इम्प्लांटेशन फेलियर का खतरा है। आमतौर पर इन महिलाओं को IVF की सफलता दर बढ़ाने के लिए एंडोमेट्रियम के विकास में सुधार के लिए हार्मोनल दवाइयाँ के बाद यूटराइन कैविटी को रिस्टोर करने के लिए हिस्टेरोस्कोपी प्रोसेस किया जाता है। इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर भी बार बार IVF फेलियर का एक कारण है। कुछ महिलाएं ऑटोइम्यून बीमारियों से पीड़ित होती हैं, जैसे कि एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम एंड सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमाइटोसिस और SLE, जिसमें शरीर ही भ्रूण के टिश्यू पर हमला करता है और इम्प्लांटेशन को बाधित करता है। ऐसे में गर्भधारण होने पर भी गर्भपात का खतरा अधिक रहता है। ब्लड थिनर और स्टेरॉयड के साथ चिकित्सा प्रबंधन ने इन महिलाओं में गर्भावस्था के परिणाम में सुधार दिखाया है। कभी कभी बड़ी संख्या में कपल्स जो रिकरेंट IVF फेलियर से पीड़ित हैं, उनमें इसका कोई निश्चित कारण नहीं पहचाना जाता है। नीलकंठ IVF के पास विट्रिफिकेशन जैसी नई तकनीक है, जिससे भ्रूण को फ्रीज किया जाता है और फिर बाद में IVF साइकिल की सफलता दर में सुधार करने के लिए उन्हें महिला के गर्भाशय में ट्रांसफर किया जाता है। इसके अलावा नीलकंठ IVF में सिक्वेंशियल एम्ब्रियो ट्रांसफर भी किया जाता है, जिसमें प्रेगनेंसी रेट को बढ़ाने के लिए एक ही IVF साइकिल में तीसरे और पांचवें दिन के भ्रूण का ट्रांसफर किया जाता है। विशेष रूप से ये रिकरेंट IVF फेलियर वाले कपल्स में किया जाता है। जो कपल्स IVF के साथ गर्भधारण नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि नई तकनीकों की मेडिकल साइंस की प्रगति के साथ ये कपल्स अनुभवी फर्टिलिटी एक्सपर्ट्स द्वारा एक अच्छे IVF केंद्र में किए गए IVF प्रोसेस के साथ भी गर्भधारण कर सकते हैं। इस तरह के और वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें और इन वीडियो को अपने करीबी लोगों के साथ शेयर करें, और यदि आपके मन में IVF या इनफर्टिलिटी से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं।